तो आप ये देख रहे हैं ना, ये है अक्षय भाई का घर। रील्स में द ब्लैक राइडर आपने देखा होगा। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, दिस इज सूरज योर होस्ट। आज हम जा रहे हैं एक खास मेहमान से मिलने के लिए, और चलिए अब यहाँ से हमारी ये जर्नी स्टार्ट होती है, और बने रहिए ब्लॉग में, आपको मिलवाते हैं एक स्पेशल गेस्ट से। तो भाई अभी हम आ चुके हैं एक खास बंदे के घर पे, जिससे मिलना मुझे भी था काफ़ी टाइम से, और अब पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये है अक्षय भाई का घर। रील्स में द ब्लैक राइडर आपने देखा होगा, तो अभी मिलाते हैं, पर हम भी फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो देखते हैं कैसा लगता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये है अक्षय भाई का रूम जो कि था बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये रहे अक्षय भाई, देखो कितना सारा सामान है भाई, राइडिंग जैकेट से लेके हेलमेट्स बहुत सारे। और ये आप देख सकते हैं, ये है Z900 और वो फेमस MT जिसको आप ब्लैक राइडर की MT कहते हैं। सही में इसका वेट कितना होगा वैसे? इसका 230 है ना, और फिर ये वाला वो कैसे बढ़ जाता है, इसको तो ऑयल लगाया ना भी है, ऑयल ये लगाया, ये तो बहुत जल्दी यार ये लगाया, और ये चेंज किया था एक बार, हां ये चेंज किया ना, ये लगाया क्या लगा सुपर बाइक को, तो ये सेफ्टी करनी पड़ेगी भाई, अगर जो बिल्कुल मेंटेन करो देखो यार, फिर हां अगर खरीद रहे हैं ना तो मेंटेन जरूरी है भाई, देखो कि बेकार है, अगर नहीं कर रहे आप। और सर्विसिंग कब से जरा कब है लास्ट? अभी तो एक ही हुई है, एक ही हुई है ना, अब 6000 रुपए ना सीधा, अब 6000 का चल दिया, अभी तो 4000 चल दिया। 6000 रुपए इन कितनी होती है क्या? तो भाई हम आ गए अक्षय भाई के घर पे, और हमने मिल लिया अक्षय भाई से, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। और भाई अपना भाई तो हो गया रेडी, तो निकलते हैं। अरे स्कूटी अल्टीमेट है यार। हाँ ऊपर पाड़ दी है, चलो भाई ओके बाय बाय। लिया हेलमेट ही रह गया, यहाँ से भी तो जाएगा ना बाहर, भाई मिल लिया अक्षय भाई से, काफी बढ़िया था। अभी निकल रहे हैं उनके एरिया से, अक्षय भाई के घर से अब निकल गए हैं, और अब जाएंगे हम देहरादून, यहाँ पे पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, तो अभी निकलते हैं और फिर देते हैं आपको आगे की अपडेट्स। वैसे अक्षय भाई के घर पे जाके यार काफ़ी अच्छा फील हुआ, क्योंकि बंदा बहुत डाउन टू अर्थ है, और मैं तो फर्स्ट टाइम मिला, और हम तो मोस्टली उनकी रील्स वगैरह देखते थे, बट काफ़ी अच्छा है, टिप्स थोड़े टिप्स दिए उन्होंने, काफ़ी चीज़ें बताई। तो सीखने के लिए तो देखो, जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रखा है उस बंदे से सीखना सबसे अच्छा है, वो आपको वो चीज़ें बता सकता है जो शायद कोई ना बताए। तो काफ़ी लंबी बात रही, हमने वहाँ पे चाय वगैरह पी और देन हम निकल गए देहरादून के लिए। तो आई होप हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कि अगर उनके पास टाइम होगा तो हम जाएंगे एक ब्लॉग बनाने के लिए उन्हीं के साथ, किसी राइड पर ही चल लेंगे। तो होप सो ये पॉसिबल हो, बट फिलहाल हम निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं देहरादून की ओर, तो मिलते हैं आपको आगे। तो भाई हमने कर दिया आधा सफर पूरा, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया क्योंकि पीछे बैंड बज चुकी है और काफी थक गए, तो थोड़ा ब्रेक लेना भी बनता है, इतना जल्दी तो कुछ है नहीं हमें जाने का। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे जंगल के एरिया में आ गए, यहाँ से लगभग कितना दूर होगा, यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है देहरादून, और यहाँ पे देखो हाईवे का काम चल रहा है बहुत ज़ोरों शोरों से। भाई ये हाईवे बन गया तो बहुत टाइम सेव होने वाला है, और बहुत अच्छा हाईवे है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे खड़े हैं, और सामने का नज़ारा है कुछ इस तरीके से, मौसम अभी तक तो ख़राब था लेकिन अब साफ हो गया, और पहाड़ देखो फाइनली एंटर कर लिया पहाड़ों में, और चलते हैं अब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद देहरादून में, फिर एंट्री लेते हैं देहरादून में। तो भाई हो गया रेडी, अब अगेन बैठो और चलो चलो भाई।
तो फाइनली हम आ चुके हैं देहरादून और जस्ट अभी पहुंचे। काफी अच्छा रहा आज का दिन, काफी ट्रैवल हो गया है और सबसे अच्छी बात हम आज मिले अक्षय भाई से और अक्षय भाई के घर पे बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करा उनके साथ, तो काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम आई होप हम व्लॉग भी शूट कर पाए, लेकिन आज का दिन तो काफी अच्छा रहा और हमारे ट्रैवलिंग भी काफी अच्छे, मौसम भी काफी अच्छा था। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं देहरादून में, तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, नए एक्साइटमेंट के साथ कल, क्योंकि हमारा डेली व्लॉग चैलेंज हो रहा है जैसा आपको पता है। तो मिलते हैं डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।